की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। करीब करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुआ। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जांच में सहयोग नहीं करने का ये भी कहा जा रहा था। यूपी पुलिस की तरफ से आशीष मिश्रा को कोर्ट में पेश करेंगे, यूपी पुलिस ने यह भी कहा है। एसआईटी की पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने आशीष मिश्रा से करीब 12 घंटे पूछताछ की है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह जानकारी पुलिस ने दी है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि सुबह जब एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही थी तो कोई भी अधिकारी कुछ भी बयान देने से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, लेकिन 12 घंटे की करीब करीब ये पूछताछ चली है और उसके बाद अब गिरफ्तारी आशीष मिश्रा की हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी की पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सहयोग नहीं किया गया आशीष मिश्रा की तरफ से इस पूरे जांच मामले में। क्या एसआईटी के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन फिलहाल जब मीडिया ने कुछ सवाल किए तो उन्होंने मीडिया को जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी दफ्तर के बाहर की हैं जिसमें अंदर करीब करीब 12 घंटे तक आशीष मिश्रा से पूछताछ चली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। सुबह से ही इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही थी। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है गिरफ्तारी के बाद, एक बार आपको सुनाते हैं। सुबह से उनको इंट्रोगेट किया, लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ही विल बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेंड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। अनिल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं लखीमपुर से सीधे। अनिल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे अब क्या यहां से? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे ये जांच पूरी शुरू हुई थी, पूछताछ, और 11 बजे यानी कि 12.5 घंटे बाद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल अब से कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं और उन्होंने बताया है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ग्राउंड क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि असहयोग कर रहे थे जांच में, पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इसलिए आखिर कोई चारा नहीं बचा, एसआईटी के पास उनको गिरफ्तार करना पड़ा है। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर वहां से उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अपील की जाएगी, याचिका दायर की जाएगी। लेकिन खबर यही है कि 12.5 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एसआईटी ने, लखीमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच में 10:30 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी और आखिर में अब 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ठीक जहां आप ये दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे से बाहर निकले थे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो कि पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, झूठ बोल रहा है, उसकी लोकेशन क्या थी सही जानकारी नहीं दे रहा है, पुलिस को बरगला रहा है, टहला रहा है, इधर की बात उधर कर रहा है और कोई बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा है। और आखिर में कोई चारा नहीं बचा, जांच में सहयोग ना करने और हर सवाल के जवाब में झूठ बोलने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है।